तो अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर घाटी में 33 साल के बाद भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से ये ट्रेनिंग बंद कर दी गई थी। कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में ये ट्रेनिंग हुआ करती थी। ट्रेनिंग बंद होने के बाद कैडेट्स को जम्मू जाना पड़ता था, लेकिन अब कैडेट्स कश्मीर में ही ट्रेनिंग ले सकेंगे। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर अब सवर रहा है। कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हो चले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में करीब 33 साल बाद एनसीसी कैडेट्स की नेवल ट्रेनिंग दोबारा शुरू हुई है। ये ट्रेनिंग नौसेना ने शुरू की है। गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, एनसीसी के कैडेट्स का जोश बस देखते ही बनता है। गांदरबल की मानसबल झील में चल रहा ये नेवल ट्रेनिंग कैंप इतना बता देने के लिए काफी है कि हम हिंदुस्तानी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के 100 सीनियर एनसीसी कैडेट्स लड़कों और लड़कियों के लिए पहला ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। 26 सितंबर तक चलने वाले इस कैंप में सभी जिलों से चुनकर आए लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप में नाव खींचने, नौकायन, सिंगलिंग, नेविगेशन जैसे नौसैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये कहना सही होगा कि कैडेट्स के नेवल ट्रेनिंग कैंपों में अपनी इच्छा से शामिल होना भारतीय सशस्त्र बलों जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना सबकी मेहनत है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन कैंपों का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कैंप में आई हूँ। ऑब्वियसली हमारे कश्मीर में इतने मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे कश्मीर में इतने कैंप्स नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब हमें लग रहा है। पिछले 3 दशकों में आतंकवादी गतिविधियों के चलते जम्मू क्षेत्र के नगरोटा, मानसर झील में इन कैडेटों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब मध्य कश्मीर के गांदरबल में इन ट्रेनिंग कैंपों को चलाया जा रहा है। जाहिर है घाटी में अब तस्वीर बदल चुकी है। मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग कैंप जो आज से शुरू हुआ है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा बच्चे जो है इसमें शामिल होंगे और जिनके लिए जो रोजगार के द्वार है वो भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन इफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।